जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब टॉक इंडिया में। दोस्तों आज का आपका भाई हाजिर है बहुत ही बड़ी वैकेंसी के साथ। दोस्तों आज जो जेसीबी कंपनी, आपने नाम सुना ही होगा, जेसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी में वैकेंसी निकली है। कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जो कंपनी है वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू भर्ती कर रही है, और इसमें जो आईटीआई पास आउट बच्चे हैं वो सभी आईटीआई पास आउट बच्चे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी मात्रा में ये कंपनी भर्ती कर रही है, और इसमें पुरुष और महिला दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, और फ्रेशर और एक्सपीरियंस भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सामने आने वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि डेली ऐसे ही जॉब्स की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो अपने इस हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, अदरवाइज और भी आपके पास कोई ग्रुप है उसमें शेयर कर दें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये हमारी वीडियो पहुंच सके और उनको जॉब को जॉब सही जॉब 100% रियल जॉब मिल सके। दोस्तों कंपनी का नाम है वो है जेसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसमें जयपुर राजस्थान में इसका आपको प्लांट देखने को मिलेगा, उसी प्लांट के लिए ये भर्ती हो रही है, जयपुर राजस्थान के लिए। ठीक है, ये कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि जेसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जयपुर राजस्थान प्लांट के लिए कंपनी अपना विशाल रोजगार मेला लगा रही है, जिसमें निम्नलिखित छात्रों की योग्यता अनुसार रोजगार देना प्रयास किया जाएगा। कृपया जानकारी पूरी पढ़ें, अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी, ये टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल के जो ट्रेड है उसके लिए ट्रेनिंग बेस पे जो जॉब निकली है वो 200 पोस्ट के लिए निकली है। अप्रेंटिस, ठीक है, और 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। अप्रेंटिस अगर आप करना चाहते हैं तो अप्रेंटिस के लिए भी वैकेंसी है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस वालों के लिए भी ये वैकेंसी है। ठीक है, अप्रेंटिस जॉब 20 पोस्ट के लिए, फ्रेशर के लिए है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन बात करें तो 10th प्लस आईटीआई पास आउट कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 10th प्लस आईटीआई पास आउट कर रखी है वही कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीबीटी एसटीबीटी वाले ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने एनसीबीटी और एससीबीटी इनकी कंप्लीट है। 50% मार्क्स आपके 10th में होने चाहिए और 60% मार्क आपके आईटीआई में होने चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मकैनिक्स, वेल्डर, टूल एंड डाई मेकर, टर्नर, फिटर, मकैनिक, डीजल मकैनिक, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, आरएसी एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये सब ट्रेड से अगर आपने आईटीआई पास आउट कर रखी है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पास आउट ईयर आपकी 18 से 22 के बीच में, आपने कभी भी अपने आईटीआई पास कर रखी है 2018 से लेके 22 तक, ठीक, कभी भी आपकी आईटीआई पास है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 25 वाले ट्रेनिंग वाले जो है 18 से 25, और अप्रेंटिस वाले 18 से 23। अगर आप ट्रेनिंग, मतलब आपने अप्रेंटिस कंप्लीट है आपकी, तो आप ट्रेनिंग बेस पे आपको जॉब दी जाएगी, तो आपको 18 से 25 एज है, और आप फ्रेशर हैं तो आपको अप्रेंटिस बेस पे दी जाएगी, तो आपकी 18 से 23 साल एज है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। जॉब प्रोफाइल जो आपकी रहने वाली है वो टेक्निकल ट्रेनिंग और अप्रेंटिस जॉब, मतलब मैंने पता है जो आपका वहाँ पे पोस्ट वो रहेगी, डेजिनेशन जो रहेगी वो टेक्निकल ट्रेनिंग की रहेगी और अप्रेंटिस की रहेगी। ठीक है, जो फ्रेशर है उनके लिए जेसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जयपुर राजस्थान में आपका जो प्लांट है उसके लिए भर्ती है। चयनित आवेदनों को राजस्थान के जयपुर प्लांट में पदस्थ किया जाएगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको जो एप्लीकेंट फॉर अप्रेंटिस वालों को 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। ठीक है, 500 रुपये कैंटीन के दिए जाएंगे और 850 रुपये बस के दिए जाएंगे जो अप्रेंटिस वाले छात्र हैं उनके लिए ये सैलरी। और जो ट्रेनी वाले छात्र हैं जिनकी अप्रेंटिस कंप्लीट है तो उनको 19,780 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 500 रुपये आपको कैंटीन के और 850 रुपये आपको बस के दिए जाएंगे जो ट्रेनी वाले छात्र हैं। 19,780 रुपये उनका CTC रहेगा, और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपको, ठीक है, वो रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन रहेगा। पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और रिटर्न एग्ज़ाम आप क्लियर करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, और अतः आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपका हैंड टू हैंड वहीं पर जॉइनिंग दे दी जाएगी, आपको हैंड टू हैंड जॉइनिंग लेटर वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
इसमें डॉक्यूमेंट्स की जो वही अपडेट, आधार अपडेट रिज्यूम, आधार कार्ड, पेन कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है ITI में, जो भी कर्स कर रखा है आपने, उसकी मार्कशीट चाहिए आपको, ओरिजिनल और फोटो कॉपी, 4 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सभी, और बैंक की पासबुक वगैरह, ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ये जो कैंपस प्लेसमेंट है वो 26 अगस्त को लग रहा है, सुबह 9:30 बजे से कैंपस प्लेसमेंट लगाया जाएगा। तो फॉर्मल ड्रेस ही आपको वहाँ पर पहन कर जाना है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो फॉर्मल ड्रेस पहन कर जाएँ, ठीक है। 26 अगस्त का ये इंटरव्यू है आपका, और सुबह 9:30 बजे से कैंपस लगाया जाएगा, ठीक है। कैंपस का जो एड्रेस है वो गवर्नमेंट ITI बिरला नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ITI कॉलेज है वहाँ पर ये कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है। और जिसका जो एड्रेस है वो है ग्वालियर रेलवे स्टेशन नियर गोला का मंदिर बिरला नगर, ठीक है, ये एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस जॉब के लिए आपको दोस्तों पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके आप इस जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉल या मैसेज के थ्रू जैसे भी आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है, मैसेज आ जाएगा आपको, मेल आ जाएगी, तो तभी आपको इस जॉब के लिए जाना है। जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके आप पहले उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिए। लास्ट आपको 25 अगस्त तक है आपका ये, मतलब रजिस्ट्रेशन होंगे, 26 का तो आपका इंटरव्यू है ही वहाँ पर, तो 25 अगस्त तक की आपको लास्ट कॉल या मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको 26 अगस्त का आपका वहाँ पर इंटरव्यू है, ये एड्रेस दिया हुआ है आपके सामने डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा है,